आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देख लिया करें, ये भी आपका भलापन होगा, आपकी मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला इसका आपका जो भी अता करेगा। अल्लाह ताला ने अजर देना है, हमने दुआ करनी है, हमने आपके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं करे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे दुनिया और आखिरत की खुशी और कामयाबी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं है अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और बरकत फरमाए। जो प्यारे इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अदा करे, इसका नेमल बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में अच्छा दे। आप दुआ करो जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह उन्हें औलाद से नवाजे। एक मुस्कान बहन है और उसके शौहर है फरियाद साहब, ठीक है, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए और दूसरा नेक औलाद दे, नेक औलाद अता फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए, नेक औलाद। आपसे सबसे गुजारिश है आप लोग भी उस बहन के लिए और उस भाई के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें नेक औलाद से नवाजे और उनकी कोई परेशानी है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी परेशानियों को दूर करे, अपने फजल से अपनी रहमत से हम सबको ढांप ले, दुनिया और आखिरत की खुशी और कामयाबी दे। इस वीडियो को सवाब के लिए आगे शेयर करें, हो सकता है कि और बहन भी दुआ करेंगे, इसमें हिस्सा डालेंगे तो कतरे कतरे से दया बनता है, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है, किसी की दुआ हो सकता है कबूल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल कर ले, अपने फजल से अपनी रहमत से उन्हें नेक औलाद से नवाजे और जिन जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह उनको भी अता फरमाए। और आज के व्लॉग का आगाज करते हैं, मैं जो बाहर अपना यहाँ से घर जैसे ही बाहर निकला, छोटे से एक बाजार था वहाँ उस तरफ जाने लगा, तो जैसे मैं कच्ची सड़क से आगे रोड पे पहुँचा, बारिश ने एकदम घेर लिया मुझे, बारिश ने एकदम घेर लिया और कपड़े सारे मेरे गीले भीगे गए। फिर वहाँ मैं किसी रिज के घर चला गया और वहाँ से जो है अपना जब बारिश रुकी तो फिर मैं बाजार की तरफ गया, लेकिन वापसी जैसे घर आया मुझे मालूम है किस तरीके से आया, फिर आकर मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि सारे कपड़े मेरे भीगे हुए थे और बारिश ने जनाब हर तरफ जो है बस अल्लाह ताला अपने फजल से रहमत से दे और अमन अमान वाली हो, खैरियत वाली हो और इसमें बेहतरी हो। लेकिन फसलें तैयार इस वक्त गंदम की फसलें तैयार है, फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा है, बहुत नुकसान पहुँचा है, अल्लाह अपना फजल करे, अपना किसी का अपने बंदों को किसी का मोहताज ना करे। बारिश का पानी ये देखिए आपके सामने यहाँ पर भी छुपा हुआ है, जहाँ पर बारिश की क्या सुविधा होगी क्या नहीं ज्यादा जानता है, लेकिन अब ये जो पानी रुका हुआ है सामने जो बारिश का है और अंदर की शुक्र है कि इधर बारिश का पानी ज़्यादा बारिश ना होने की वजह से ज़्यादा अंदर नहीं आया, वरना यहाँ मुश्किल होती मिट्टी खाका। ये देखिए यह आंधी वगैरह बारिश से पहले थोड़ी देर हल्की हल्की आंधी आई है, जिससे ये सुबह भी इसने झाड़ू दिया है, सुबह भी झाड़ू दिया है, आपने सुबह की वीडियो में देखा सुबह भी झाड़ू दिया है। देखो अब फिर ये अंदर से कमरों के चारों घर देख आई है क्या हालात है, बोला नहीं जा रहा, अल्लाह फजल करेगा, अल्लाह अपनी रहमत से आपको सेहत के क्या क्या खाना है, गोश्त खाना है, नहीं खाना गोश्त नहीं खाना, यदि खाया था उससे तकलीफ हुई, उसे तकलीफ हुई, किसी को अच्छा लगा सकता है किसी को नहीं होता, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे शिफा दे। और वे ये मिट्टी खाता हुआ जो वगैरह जब बारिश वगैरह आई अपना ये दिन में यकीन हमें हर रोज आप जब से ये गर्मी शुरू हो रही है दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा ये डेली बेस पे झाड़ू लगाना पड़ेगा और लगा रही है बेचारे, बच्चे भी साथ देते हैं, लेकिन मिट्टी खाका वगैरह उठता है, मुँह में जाता है, कपड़ों पर जाता है, बिस्तरों पर जाता है, चार पीओ पर जाता है, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह ताला अपने फजल अपनी रहमत से हम सबको डांपे, किसी का मोहताज न करे, रमेशों से निजात दिलाए, रमेशें बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। और जैसे मैं अभी यहाँ टांग उतार के बैठा हूँ, मेरे लिए उठना चलना फिरना आगे पीछे बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर ये झाड़ू जैसे हम लगाने लगे या पानी डालेगी तो ये झाड़ू दे लगाएगी, अगर वैसे अंदर से तो इसको झाड़ू लगा लिया, लेकिन ये कि इसको वहाँ पर भी पानी लगाना चाहिए था, लेकिन पानी भी लगाया उसने से झाड़ू लगा के आ गई है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत देगा तंदुरुस्ती का फरमाए। कार भी वहाँ रखी, ये देखिए यहाँ गंद देखे कितना गंद कटा हो चुका है, बेगम भी झाड़ू लगाया है, दिन में 3 से 4 मरतबा झाड़ू लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे किसी का मुताई न करे। अंदर से भी देखने लगी गंद उठाने बाहर निकालने लगी है, अंदर से पहले भी इसने झाड़ू लगाया, अब दोबारा झाड़ू लगा रही है, क्योंकि मौसम गर्मी का है जो कि ये देखिए हम जैसे मिट्टी हवा की वजह छोड़ती है, ये यहाँ अब हालांकि झाड़ू भी लगाया नहीं तो बिस्तरों चार पीओ पड़ जाती है, कितनी मुश्किल होती है, दुआ करें अल्लाह ताला बड़ा करे, हम ये फर्श जो है लगवाना चाहते हैं, दुआ करें अल्लाह ताला बेहतरीता करें ताकि फर्श का निज़ाम हो, ये आसानी हो जाए ताकि फर्श का निज़ाम हो सके, दुआ कीजिए अल्लाह ताला बेहतरीता करे।
बहुत कोशिश की कि हम इसको टीचिंग का इंतजाम करवा दें टीचिंग का, लेकिन टीचिंग के हवाले से भी बड़ी परेशानी है। दुआ करें अल्लाह ताला इन परेशानी से निजात दिलाए। हम भी इंसान हैं और ये भी, और हम चाहते हैं इसके लिए बेहतरी पैदा हो, बेहतरी और अपना रोज़गार भी हो जाए। दुआ करें हमारे अपने रोज़गार का इंतजाम भी हो जाए। इस तरफ से आ जाए बेटा, ये देखें ये घर वगैरह रहेगी यहाँ पे, ये आपके सामने गंद वगैरह कितना इकट्ठा हो गया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह फजल करे, अल्लाह मुश्किल से निजात दिलाए, मुश्किल से निजात दिलाए। ये मुश्किल जो है आर्जी है अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं, अल्लाह की तरफ से बैठी है। अल्लाह ताला रास्ता निकाल देगा, अल्लाह के फजल से रहमत से रास्ता निकाल देगा। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देख लिया करें, ये भी आपका भलापन होगा, आपकी मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला इसका आपका जो रिव्यू अदा करेगा। अल्लाह ताला ने अजर देना है, हमने दुआ करनी है, हमने आपके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं करे, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे दुनिया और आखिर की खुशी और कामयाबी दे। आप हमारी वीडियो देख रहे थे, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे। दुआ में याद रखना, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।